ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मतलब जैसे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर आप लक्ष्मण रेखा पार करके गए तो वहां पर मामला ऐसा हो गया कि आपको नुकसान उठाना पड़ा। हर किसी को अपनी मतलब लक्ष्मण रेखा में ध्यान में रहना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही पोजीशन बनाना है, इतना ही पैसा इक्विटी में लगाना है, इतना ही एसेट एलोकेशन करना है, इतनी ही रिस्क वाला लेना है। तो क्या ये सोच समझ के करना बहुत जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी है। एंड कई बार लोग अपना पूरा समय दे देते हैं उस स्टॉक को देखने के लिए जो 10 बैगर 20 बैगर 100 बैगर बनेगा, बट जब वो मौका आता है तो बहुत कम पैसा लगाते हैं। व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स यू शुड बी लोडिंग ऑन इट। हमारे में कहावत है कि जब लक्ष्मी चांदला करने आए तो आप मुंह धोने नहीं जाते, तब आप मुंह आगे कर लेते हैं कि तिलक कर ले। बराबर। तो वैसे ही जब आपके पास पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी आए तो आप कितना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर से आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न तय होती है। हमने कई बार देखा है कि लोग अपॉर्चुनिटी के समय 1 रुपया 2 रुपया लगाते हैं और बाकी का 90 रुपया 98 रुपया वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये अनुशासन एक निवेशक के लिए, एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये रावण जिसे हमेशा माना जाता था कि बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, पंडित कहा जाता था, और उन्होंने भी भगवान की बड़ी पूजा आराधना की और उसके बाद शक्तियां प्राप्त की, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने भी गलती की कि सीता माता का हरण किया। एक लालच था, हरण किया, और दूसरा हरण करने के बाद क्या कहीं उसके पास गलती सुधारने का मौका था? यदि था तो इससे ट्रेडर और इन्वेस्टर्स क्या सीखे? सो एक चीज है कि रावण की लंका इसलिए टूटी बिकॉज उसका अभिमान काम में आ गया। एक कहावत है, अभिमान तो राजा रावण नु पण नहीं टक्यो। अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिक पाया था। एक ट्रेडर के लिए, एक निवेशक के लिए, एक फंड मैनेजर के लिए ईगो बहुत नेगेटिव चीज है। ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर जमीन पे आ जाते हैं जिस दिन उसमें अभिमान आ जाता है। मैं फंड मैनेजर हूँ, मुझे मालूम है मेरा स्टॉक नीचे नहीं गिर सकता। जिस दिन मैंने वो अभिमान किया, मेरी बैंड बच गई। बिल्कुल उसी तरह ही एक ट्रेडर को अपना ईगो छोड़ देना पड़ेगा। अगर रावण ने स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो नुकसान शायद होता, बट पूरी लंका नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। सो आपको अपने अभिमान पे काबू रखना बहुत जरूरी है। जब राजा रावण का अभिमान नहीं टिका तो हम तो किस खेत की मूली।